राजस्थान वहां ते आ। राम राम पप्पू उस्ताद। राम राम भाइयो, कौन हो? हम है सुत्ती। उलझ गई से गुत्थी, सुलझाने ही आए हो, बोलो किसने दिखाने लाए हो? ओ पप्पू उस्ताद, बात यह है कि हमें अपने भैंस का इलाज करवाना है। बिल्ली हो, कुत्ता हो, ऊंट हो, बकरी हो, भैंस हो या गाय, हमारे पास है हर जानवर का उपाय। दूध कर दो ज्यादा, कम कर दो चाय। यो बींदड़ी बींद पे भारी से, गंभीर बीमारी से। अरे ओ हकीम, छोड़ो हमारी कलाई, नहीं तो हम तुमको उठा कर पटक देंगे। मारे को पटक देगी क्यों? अरे कहे कि हम यहाँ अपने आप को नहीं, हमारी भैंसिया को दिखाने आए हैं। वही तो कर रहा था। का? तुमको हम भैंस नजर आते हैं? इतनी बड़ी भैंस खड़ी ही नजर नहीं आती तुमका? ओ बहन जी, क्षमा करना मुखिया है ना, आप दोनों को साथ खड़े देख के मन गलत फहमी हो गई, पर चिंता की बात खोना। दिल्ली और रांची और पटना और जयपुर, बेंगलुरु या अहमदाबाद, दुनिया भर में मशहूर है हकीम पप्पू उस्ताद। अरे ओ हकीम पप्पू उस्ताद, अगर हमको गलतफहमी हो गई ना, तो हम तुम में और तंबू में कोई फर्क नहीं छोड़ेंगे, समझे? फिर पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि कौन पप्पू है और कौन तंबू। बहन जी, भाइयों, कहना के भैंस का इलाज शुरू करने से पहले उसकी मालकिन की नब्ज टटोलनी पड़े, इसलिए आपकी कलाई पकड़ ली, अब भैंस की बीमारी भी पकड़ लेंगे। तो ये बात है, समस्या की? अरे 3 दिन से दूध कम दे रही है। वो तो मैं देख के ही समझ गया था भाइयों, कंफर्म कर रहा था। ए फुकरी, वो दूध विकासम गोली लेके आ। जी उस्ताद। दूध विकासम, ये लो बहन जी, यो गोली भैंस ने खिला देना, ऊपर से पानी पिला दे, और हाँ दो बार, फिर देखना कैसे बहती है दूध की धार, क्योंकि ये जो गोली है ना, ये चारे को डेयरी में बदल देती है और भैंस दुगना दूध देती है। एक साथ 4 गोली खिला दे। खिला दो। लेकिन ये गोली खाएगी कैसे? यो सवाल कोई बुद्धिमान ही पूछ सकता है। लेकिन हमारे पास हर समस्या का समाधान से। भाइयों, एक लंबी रबर की पाइप लेना, ये गोली उसमें डालना, भैंस को घास दिखाना, ये मुंह खोल लेगी तो पाइप इसके मुंह में डाल के फूंक मारना, गोली सीधा भैंस के पेट में जाएगी और भैंस धनाधन दूध देना शुरू कर देगी। अरे वाह पप्पू उस्ताद, आप तो कमाल के है। चलो हमारी कचौड़ी, अब तो हमारी भैंस दूध देगी, वो भी 4 गुना ज्यादा। और हाँ, भूल के भी किसी के पूछने पे ये नहीं बताना है कि गोली का असर क्या हुआ, वरना गोली का असर खत्म हो जाएगा और भैंस का रोग तुम दोनों ने लग जाएगा। और बहन जी भाइयों, हम दवाई बेचने का धंधा नहीं करते, हम तो समाज सेवा के लिए निकले हैं। अब आप भी 100 रुपए निकालो। 100 रुपया? फ्री में दवाई चाहो भाइयों, दान दक्षिणा ना करोगे? अरे हमरे समोसा दे दो ना, 100 रुपया। अच्छा याद से खिला देना। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा चलते हैं। कहाँ रख दिया चश्मा? यहाँ भी नहीं है। पढ़ते वक्त तो चश्मा कहाँ गया हमारा? अरे बिंदुमती, ए बिंदुमती, कहाँ हो भाई? कहाँ हो गया? काहे गला फाड़ फाड़ के हमीरपुर से राट हुए जा रहे हो? हाँ, चश्मा कहाँ गया हमारा भाई? अरे तो बिना चश्मे के PWD नहीं जा सकते हो का? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे तो हम कह रहे ना जाओ। वो कहा है ना कि बिना चश्मा के हम नहीं जा सकते हैं, काहे कि बिना चश्मा के हमको इलाहाबाद, हैदराबाद और लखनऊ फाफा माऊ नजर आता है। हाँ, हमको तो पता है, लेकिन तुमको ना ही पता है। हाँ, अरे हमको क्या नहीं पता है, हमको सब पता है, हम कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है, PWD में काम करते, PWD में आया नहीं तो। अरे तुमको ये ना ही पता है कि तुम बिना चश्मे के कितने अच्छे लगते हो, बिल्कुल सलमान खान की तरह। हाँ, हमसे किसी ने कहा ही नहीं है। तो हम कह रहे हैं ना, हमरे सलमान खान। देखो बिंदुमती, कहा है कि चश्मा तो हम भी नहीं लगाना चाहते हैं, लेकिन चश्मा नहीं लगाए ना तो तुम सही सही दिखती नहीं हो ना हमको, अब चश्मा लगाना हमारा मजबूरी है भाई। हाँ, काश ऐसा होता कि तुम्हारी आंखों से चश्मा उतर जाता तो कितना मजा आता है ना। हाँ, लेकिन अभी मजा नहीं आ रहा है ना, कहा कि चश्मा नहीं मिल रहा है हमको।
ई रहा तुम्हारे सर पर। अरे हाँ बिंदुवती, अरे तुम कितनी सुंदर दिख रही हो भाई। हाँ लेकिन तुम नहीं लग रहे हो सलमान खान। PWD जा रहे हैं। हाँ नहीं तो बीजी पांडे। भाई क्या हो बे? ये सूखे हुए छुआरे जैसा मुंह कहाँ लटकाया हुआ? तुम्हारे पापा ने तुमको घर से निकाल दिया क्या? भैया ना तो सबके पापा आपके पापा जैसे होते हैं, ना ही सबकी किस्मत आपकी जैसी कि महीने दो महीने में एक बार घर से बाहर निकाले जरूर जाएं। अबे खींच कंटाप देंगे, ज्यादा चू चपड़ करो, समझे कि नहीं? अबे एक तो तुमसे हम कंसर्न दिखा रहे हैं, ऊपर से तुम हमारे ही साथ ऐठन कर रहे हो। अबे बोलो क्या बात है? नहीं भैया जाने दीजिए। अबे ऐसे कैसे जाने दे? अबे गुड्डू तुम जानते हो कि तुम उदास रहते हो तो पापा कसम हमें भी उदासी आ जाती है, और अगर हमें उदासी आ जाएगी तो फिर हैप्पी नहीं हो सकते हम। इसलिए जल्दी से बताओ कि उदास होने का रीजन क्या है? याद आ रही है तेरी, याद आ रही है, याद आने से तेरे जाने से जान जा रही है। बस 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 बड़े भाई ज्यादा कहोगे तो हमारी जान चले जाएगी। हमारे समझ में आ गया है कि तुम पत्नी पीड़ा में पीड़ित पति हो गए हो। भैया बिल्कुल पते की बात पकड़ी है आपने। भैया दुनिया जिसे थोड़ी सी कहा सुनी हुई थी, बस बुरा मान के बैठी है, मायके में जाकर बैठी है, वापस आने का नाम ही नहीं ले रही है। अबे तो पता है तुम्हारे पास जाके बुला के कहानी लेके आ जाते हो। नहीं भैया आपको तो दुनिया जी के गुस्से के बारे में पता ही है। वैसे भैया आज हमारी अम्मा मामा जी के ससुराल जा रही हैं, जहाँ उनके बच्चे का मुंडन है, वहीं हमारा भी ससुराल है, तो अम्मा वहाँ भी जाएंगी और दुनिया जी को मनाने की कोशिश करेंगी। अब पता नहीं दुनिया जी मानेंगी कि नहीं मानेंगी। बड़े भाई देखो टेंशन मत लो, तुम्हारी दुनिया जी मान भी जाएंगी और बहुत जल्दी यहाँ आ भी जाएंगे, ठीक है? अब आओ तुम हमारे गले लग जाओ। भैया आपके मुँह में घी शक्कर। चोखी खबर लाया, जैसे आया सावन झूम के ऐसे ही पूरे लापतागंज में घूम के चोखी खबर लाता रे, चोखा पैन चोखा खाता रे। इब देखियो फुकरी मारे झांसे में विश्वास में कैसे आएंगे लापतागंज वाले। लागे है दो नए बकरे आ रहे फंसने वाले, काम पे लग ले। पप्पू उस्ताद जी। हकीम पप्पू उस्ताद बोलिए। अच्छा हकीम जी पप्पू जी उस्ताद जी। भाइयो जल्दी बोलो हम सुन रहे हैं, एक खुर्राट मर्ज की दवा बना रहे हैं। अरे तो हम आपसे दवा ही लेने आए हैं। क्या तकलीफ है? अरे तकलीफ तो पिताजी को हुआ करती थी। तो उनको भेजो। अरे उनको भेजेंगे तो हम तकलीफ में आ जाएंगे। अरे तो दवाई किसको देनी है, पिताजी को कि तुमको? जी हमें। और तकलीफ पिताजी को है? जी नहीं है, तकलीफ हमें ही है। तो पिताजी को क्या चाहिए? अरे पिताजी को कुछ नहीं चाहिए, वो तो दुनिया से निकल गए, हमारा मतलब है गुजर गए। के? हमने तो उनको दवाई दी नहीं फिर भी गुजर गए जी। अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। भाईओ तुम कौन हो? हम एली जाएंगे। घनी खम्मा। किसकी अम्मा? राम राम। हाँ राम राम। भाइयों क्या तकलीफ है? तकलीफ ये हैंगी कि हम मोटे नहीं हो रहे हैंगे। अरे एक मिनट एलिजा हमें तो निपटने दो, देखिए हमारे पेट में दर्द हो रहा है जो ठीक नहीं हो रहा है। अरे तुम चुप रहो मामा, देखिए वो क्या हैंगे, हम बहुत दुबले पतले हैंगे, हमको मोटा होना हैंगे। अरे एक मिनट देखिए हमारे पेट का इलाज कीजिए बस। आप जानवरों का इलाज करते हैं? क्यों भाइयों इन दोनों को देख कर ही आप आए हो? जी आपको हम जानवर लगते हैं, देखिए आप हमारे पेट के दर्द का इलाज कीजिए बस। हमें घोड़े के लिए दवा चाहिए और हमको मोटा होना हैंगे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट भाइयों, आपको मोटा होना है, आपको घोड़े की दवा लेनी है और आपके पेट में दर्द हो रहा है? देखिए हमें मोटा नहीं होना है। और हमारे पेट को कुछ नहीं हुआ है, अभी अभी पड़ोसी के खेत से 20 मूली चुरा कर खाते हुए आ रहे हैं, सब कुछ पच गया, कुछ पता ही नहीं चला। समझ गयो भाइयों समझ गयो। एक मिनट ये फुगरी 5 दे पहले। ये लो भाइयों मोटा होने की पुड़िया रोज एक सुबह शाम, और वो 6 लो भाइयों थारे पेट दर्द की दवा। और तुम बताओ थारे घोड़े को क्या तकलीफ है? हमारे घोड़े के पेट में दर्द हो रहा है। एक मिनट एक मिनट ए पुड़िया दे पुड़िया काली कागज दे, इसमें डाल लो भाइयों थोड़ी गोलियां डाल लो, 100 निकाल लो, बस
ये लो भाई थारे घोड़े की दवाई और अब अपने रास्ते हो जाओ। अरे सुनिए, आपने जो हमें दवा दी है उसी में से आपने घोड़े को दवा दे दी। चिंता कोनी भाई, घोड़े को थोड़े ही ना पता चलेगी ये बात। अरे लेकिन हमें तो पता चल गई है। देखो भाई, हमारे पर विश्वास हो तभी हमारी गोली लो, वरना अपने रास्ते हो लो। क्योंकि भाई यो तंत्र मंत्र पूजा पाठ जड़ी बूटी के ठाट एलोपैथी की खड़ी करके काट आयुर्वेद में गहरा भेद होम्योपैथी में करके छेद काला जादू टोना सफेद करके बनाई गई चमत्कारी दवा है। भाइयों इसकी एक खुराक खाती मरी बोले उस्ताद जी इब आ गया चैन। जर्मनी तक मारे फैन है लेकिन दवाई के असर में किसी को बताना बैन है। क्योंकि दवाई के असर के बारे में किसी को बताया भाया तो दवाई का असर खत्म हो जाएगा और बीमार फाइनल तक पहुंचने से पहले ही आउट हो जाएगा। ये मारे गुरु जी का पैगाम है। ये तो धर्म का काम है भाइयों, धंधा नहीं करके व्यापारी नहीं, हम तो समाज सेवक कहलाते हैं। नेकी करो कुएं में डालो, इब 200-200 रुपए निकालो। 200 रुपए 200 ही है। बाकी बात है भाई। अच्छा इस बार गर्मियों की छुट्टियों में आप कहाँ जा रहे हैं? यो जर्मनी। राम राम भाई। राम राम लीजा जर्मनी। हमारे बाग सवार हम गीत खुशी के गाए, हमरे आंगन में हनुमान जी पधारे। दीदी हम आ गए। आहा, हाँ डरा दिए हाँ, का करे हम आरती उतारे तुम आ गए तो। अरे दीदी हलवा पूड़ी बनाओ, दही कचौड़ी बनाओ, बैगन का भरता बनाओ। कहाँ बकलोली कर रहा है? अरे बकलोली तो पिताजी करते थे और वो भी ऐसी कि लोग करते थे फिर उनकी ऐसी की तैसी। दीदी हम दवा ले आए हैं, हम इसे खाएंगे तो हमारा पेट एकदम सही हो जाएगा और पेट का दर्द उड़नछू हो जाएगा। क्योंकि ये दवा तंत्र मंत्र जड़ी बूटी और पूजा पाठ के बाद बनाई गई है। वैसे पूजा पाठ के बाद तो पिताजी दवा बनाते थे। कहाँ से लाया है दवाई? अरे दीदी गांव में एक नया वैद्य आया है, हकीम पप्पू उस्ताद। उसके पास हर मर्ज की दवा है, नीचे वाले से लेकर के ऊपर वाला तक गवाह है। हाँ दीदी देखो, मुंबई हो, दिल्ली हो, पटना हो या अहमदाबाद, हर जगह मशहूर है हकीम पप्पू उस्ताद। चलो अच्छा है, ये दवा काम कर जाए और तुम्हारा पेट दर्द जो है वो हो जाए, वो क्या कहते हैं उसे, वो जो उड़ता है लाल दुपट्टा मलमल का। नहीं वो जो क्या कहते हैं गायब हो जाता है, वो गधे के सर से सींग या खुली डिब्बी से ही एक देंगे वो जो उड़नछू हो जाता है। अरे उड़नछू तो पिताजी होते थे, अब देखो ऐसे उड़नछू हुए कि एक दिन दुनिया से उड़नछू हो गए। दीदी अब हम ये दवा खाएंगे, लेकिन दीदी दवा खाने के बाद तुम हमसे ये मत पूछना कि दवा का असर हो रहा है या नहीं। क्योंकि अगर हमने कुछ बता दिया तो दवा का असर खत्म हो जाएगा, ऐसा हमसे हकीम पप्पू उस्ताद ने कहा है। दीदी अब हम ये दवा खाएंगे तो हमारे लिए कढ़ी चावल बनाओ, क्योंकि कढ़ी चावल खा के हमारे पेट में दर्द होगा, उसके बाद ही पेट के दर्द पर इसका असर होगा। ठीक है ठीक है, हम बनाते हैं। हाँ। अभी कड़ी चावल बनाते हैं। बनाओ दीदी बनाओ। भारो रंगीलो राजस्थान, वहाँ से आयो वीर जवान। ये वही है जिसकी बीवी। समझ गयो भाइयो समझ गयो, मारे पास भाइयो हर मर्ज की दवा से जर्मनी तक मारे इनाम की हवा से, जिनकी पत्नी मायके बैठी से उनसे एठी से, मारी चमत्कारी गोली उसे खिलाइए, रूठी पत्नी को मनाइए। क्या आपके पास सच में कोई ऐसी गोली है? क्या सच में तुम्हारी पत्नी मायके बैठी है तुमसे एठी है? हाँ। चिंता की बात कोनी भाइयो, मुंबई हो, पटना हो, दिल्ली, जयपुर या अहमदाबाद, दूर दूर तक मशहूर से यो हकीम पप्पू उस्ताद। ये लो चमत्कारी गोली, समझ लो तुम्हारी पत्नी फिर से तुम्हारी होली। बस यो गोली किसी तरह पत्नी को खिला दीजिए और फिर देखिए वो आपकी याद में तड़प तड़प के जलबीन मछली की तरह वापस आ जाएगी। सच? आयो विश्वास है तभी ये गोली लो, वरना अपने रास्ते हो लो। क्योंकि ये तंत्र मंत्र
पूजा पाठ जड़ी बूटी के ठाट, एलोपैथी की कड़ी करके खाट, आयुर्वेद में करके भेद, होम्योपैथी में करके छेद, जादू काला टोना सफेद करके बनाई गई चमत्कारी दवा है। लापतागंज से जर्मनी तक इसी की हवा है। और हाँ भाइयों, इसके बारे में किसी को नहीं बताना। क्यों? वरना इसका असर खत्म हो जाएगा और अपनी पत्नी से फिर कभी नहीं मिल पाएगा। भाइयों घबरा नहीं, यह धर्म का काम, व्यापारी नहीं कहलाते, समाज सेवक कहलाते हैं। देखी करो, कुएं में डालो, 200 रुपए निकालो, उधर देखो 200। बस भाइयों पत्नी तुम्हारी होली, खिला देना गोली। हम दुनिया जी के लिए एक अलग से मिठाई का डब्बा लेंगे और उसमें ये दवा मिलाकर अम्मा को दे देंगे और कहेंगे दुनिया जी को हमारी तरफ से ये मिठाई का डब्बा दे देना, दुनिया जी खाएंगी और बस। चलते हैं सुत्तीलाल की दुकान से मिठाई ले ही लेते हैं। शकल देखिए शीशे में, डेढ़ पसली हड्डियों का ढांचा। नहीं, अब हम हैंगर में लटका हुआ कपड़ा नहीं लगेंगे। अब हम मोटे होके रहेंगे, खाएंगे पप्पू उस्ताद की दवा और पिएंगे सुत्तीलाल की भैंस का दूध। अरे सुत्तीलाल जल्दी करो, बहुत टाइम लगाते हो यार। ये लो गुड्डू, आधा किलो बर्फी। हाँ। दिख लेना। अरे ओ हमरे समोसा, भैंस को दवा खिलानी है कि नहीं? अरे हाँ हमरी कचौड़ी, अभी खिलाते हैं भैंसिया को दवा, अब देगी फिर से 20 लीटर दूध। हाँ काहे कि पप्पू उस्ताद के यहाँ से दवा जो लाए हैं। कहाँ मिर्चा भाभी? हाँ। पप्पू उस्ताद से भैंसिया की दवा लाई हो? हाँ। और वही इंसान की दवा भी दे रहा है? अरे मुकंदी भैया, हर किसी के लिए हर मरज की दवा है पप्पू उस्ताद के पास। ये देखो हम खुद अपने लिए लाए हैं दवा, क्योंकि हमें नींद नहीं आ रही है ना आजकल। चौरसिया तुम भी पप्पू उस्ताद के यहाँ से दवा लाए हैंगे? हम भी दवा लाए हैंगे और मामा भी। पगला गए हो का? नीम हकीम के चक्कर में पड़ रहे हो? अरे मुकुंदी भैया ये सब बात बाद में कर लीजिएगा, पहले हम अपनी भैंसिया को दवा तो खिला दें। चलो ना हमरे समोसा शुरू हो जाओ। सुत्तीलाल वाह, क्या भूख मारी है, अब देखना तुम्हारी भैंस 40 लीटर दूध देगी। अरे क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं बहनो जी? अरे बहुत गड़बड़ हो गया, इससे पहले कि पाइप में फूक मार के भैंस के मुंह में गोली पहुंचाते, भैंस ने फूक मार दी और वो गोली पेट में चली गई।